हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों ये LG फ्रंट लोडर वॉशिंग मशीन के बारे में आज मैं आपको बताता हूँ, जिसमें ईयर कोड 1E या IE का ईयर कोड अगर आता है तो इसका मतलब हो गया वाटर इनलेट ईयर, मतलब जो इनलेट में पानी आ रहा है उसमें कहीं फॉल्ट है। फॉल्ट कहाँ हो सकता है कि आप जो पाइप में पानी चेक करेंगे, क्या वो टोटी से जो नल होता है वहाँ से पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर पाइप को चेक करेंगे, पाइप में दो छोटे छोटे फिल्टर लगे होते हैं, उन फिल्टर को आपको चेक करना है, अगर वहाँ भी पानी आ रहा है तो आप इनलेट वाल, जिसको सोनोड वाल कहते हो, जो पानी को कंट्रोल करता है या पानी आने पे वाल खोल देता है, आप उसको चेक करोगे। अगर उसको चेक करना है तो उस पर देखना है क्या उस पर 220 वोल्ट की सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। अगर वहाँ भी तो जो इनलेट वाल पे पाइप लगी होती है उस पाइप को खोलेंगे, वॉशिंग मशीन ऑन करेंगे, अगर आप चलाते हैं फिर इनलेट से पानी आउट होना चाहिए, अगर वहाँ से भी पानी आ रहा है तो फिर आप जो डिटर्जेंट बॉक्स जहाँ पे आप साबुन या सर्फ का प्रयोग करते हैं वहाँ पे आप चेक करेंगे वहाँ पानी गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है, क्या उसके होल जो होल होते हैं वो बंद तो नहीं हो गए हैं, आप इन इन चीज़ों को चेक करेंगे तब यह जो IE का ईयर कोड होगा ये हट जाएगा। तो जितने भी ईयर कोड होंगे आप अगर इन चीज़ों को चेक करेंगे तो आपको ईयर कोड आसानी से यहाँ मिल जाएगा। तो ईयर कोड को हटाना कोई कठिन काम नहीं है, बस आपको मन से ही प्रयास करना है और ये आपको देखना है कि जितने भी हम प्रक्रिया बताते हैं कि आपको क्या क्या करना, उस इस चीज़ को करो 100% आपको सफलता मिलेगी। और EI का ईयर कोड इस LG फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में जो ईयर कोड आएगा वो बिल्कुल हट जाएगा। तो बहुत छोटी वीडियो छोटी टिप्स में हम बना रहे हैं ताकि आपका ज़्यादा समय न लें, इसलिए हमने छोटी छोटी सी वीडियो बनाना शुरू करा हूँ ईयर कोड के लिए। जब भी मौका मिलता है हम बड़ी वीडियो भी आपको बिल्कुल बना के दिखाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।